तो हम इफ का जो हमने देखा था लास्ट में, तो इस इफ स्टेटमेंट का हम एक प्रैक्टिकल देखते हैं. सपोज वी हैव इंट, वी हैव एक्स इज इक्वल 10, ठीक है. तो एक्स मेरे पास 10 है, तो यहां पर मैं देख सकता हूं इफ एक कंडीशन. तो इफ सिंपल सी कंडीशन, पहले इफ एक्स ग्रेटर देन 5, उसके बाद इफ का कोड. अगर इफ, अगर एक्स जो है ग्रेटर देन 5 है तो कोई काम करो. सपोज मैं करता हूं प्रिंट एफ, मैं लिखता हूं प्रिंट एफ, मैं काम कर रहा हूं प्रिंट एफ, मैं करूंगा यहां पे एक मैसेज एक्स इज ग्रेटर देन 5. मैंने सिंपल में एक मैसेज लिखी यहां पे और कुछ नहीं किया, मैं लिख रहा हूं एक्स इज ग्रेटर देन 5, ठीक है. उसके बाद इफ के बाद जो है हमारा बाकी प्रोग्राम भी है. यहां पर हम लिखेंगे आफ्टर इफ कंडीशन, ठीक है. तो हम देखेंगे इसका जो हमारे पास जो है एक्स, एक्स का वैल्यू जो है हमारे पास 10 है. इफ एक्स ग्रेटर देन 5, यहां पर अगर हम देख रहे हैं एक्स इज ग्रेटर देन 5, एक्स तो है ग्रेटर देन 5, तो अगर एक्स ग्रेटर देन 5 है तो एक्स हमें आना चाहिए एक्स इज ग्रेटर देन 5, ठीक है. और उसके बाद हमें आना चाहिए आफ्टर इफ कंडीशन, ठीक है. तो कंपाइल एंड रन करेंगे तो हमें यहाँ पे आउटपुट आया एक्स इज ग्रेटर देन 5, यानी इफ वाली कंडीशन ट्रू आई तो इसने इसने इस कोड को एग्जीक्यूट किया. हमें यहाँ पे जो कंडीशन है वो ट्रू आई, ठीक है. जो ही ये कंडीशन ट्रू आई तो इसने इस कोड को एग्जीक्यूट किया एक्स इज ग्रेटर देन 5, ठीक है. और उसके बाद इसने जो किया काम, इसने आफ्टर इफ कंडीशन जो है प्रिंट अप किया. तो सिंपल एक कंडीशन थी हमारे पास. अब हम इसी कंडीशन को फॉल्स बनाते हैं. सपोज मैं अब एक्स में वैल्यू देता हूँ 1. अब जो एक्स 1 है, एक्स इज नॉट नाउ ग्रेटर देन 5, एक्स तो अब 5 से ज्यादा नहीं है, एक्स तो लेस देन 5 है. अब हम देखेंगे क्या होगा, इसको एग्जीक्यूट करेंगे. अब देखो, अब यहाँ पे प्रिंट आउट आया आफ्टर इफ कंडीशन, आफ्टर इफ कंडीशन. इसका मतलब एक्स इज ग्रेटर देन 5 मेरा, जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, जो ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये वाला स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, ये सीधे बाहर आया इस एप के बाहर यहां पर, ठीक है. ये एप के बाहर आ गया यहां पर आफ्टर इफ कंडीशन, ठीक है. तो एक सिंपल सा एग्जांपल था, सिंपल सा एग्जांपल था कि एक और एग्जांपल कर सकते हैं. सपोज यहां पर मैं एक्स का वैल्यू 10 दिखाता हूं, मैं लिखूंगा इफ एक्स कंपेयर्स टू. अब डबल इक्वल का मतलब है कंपेयर. अगर ये 10 के बराबर है, ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, तो यहां पर हम लिखेंगे मैसेज सपोज एक्स इज 10, ठीक है. या तो हम बाहर आएंगे उसके बाद आफ्टर फंक्शन, तो ये इसका भी ट्रू और फॉल्स निकलेगा. अगर ये इसके बराबर होगा, एक्स 10 के बराबर होगा तो ये ट्रू आएगा, क्योंकि एक्स तो है 10 के बराबर, तो ये ट्रू आ गया. ये लिख रहा है यहाँ पे, हमें आउटपुट आ रहा है एक्स इज 10, ठीक है. तो अगर हम सपोज अब इसको एक्स को 11 बनाते हैं, अब एग्जीक्यूट करते हैं. अब एग्जीक्यूट किया, ये सीधे आ गया आफ्टर इफ कंडीशन पे, ठीक है. क्यों आ गया आफ्टर इफ कंडीशन पे, क्योंकि यहाँ पे जो हमने लिखा था एक्स कंपेयर्स, इसको बोलते हैं कंपेयर इक्वल टू इक्वल कंपेयर्स. ये एक्स तो कंपेयर टू 10 था, लेकिन यहाँ से फॉल्स आ गया, क्योंकि एक्स इज 11, एक्स इज नॉट इक्वल टू 10, ठीक है. ये तो 10 के बराबर नहीं है, तो अगर 10 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये सारी की कंडीशन जो है, ये सारी इफ कंडीशन जो है, ये फॉल्स आ गई, और ये सारा इफ का कोड जो है ये एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, ये सीधे आ जाएगा हमें इफ स्टेटमेंट के बाहर.